हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी बटरफ्लाई चिकन बनाने की रेसिपी। ये एक बहुत ही मज़ेदार स्टार्टर या फिंगर फूड कह लें आप। ये काफ़ी पसंद किया जाता है मेरे यहाँ इफ्तार पार्टीज़ पर, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर लूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये है मेरे पास बोनलेस चिकन, इसे मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। चलिए इसे मैरिनेट कर लेते हैं। ये है बटर और इसमें मैं ऐड करूँगी गार्लिक पाउडर यानी लहसुन का पाउडर, रेड चिली पाउडर और इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और इसी के साथ जाएगा नमक। नमक आप देख कर डालिएगा क्योंकि बाद में हम इसमें सोया सॉस भी ऐड करेंगे। और ये है रेड फूड कलर, ये टोटली ऑप्शनल है। थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी मैं इसमें। और ये है मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लावर और इसी के साथ जाएगा कॉर्नफ्लोर भी। अब हम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम ड्राई स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें सॉसेस ऐड करेंगे। चलिए इसमें अब टोमेटो सॉस ऐड कर लेते हैं और ये है सोया सॉस। याद रखिएगा हमने नमक भी ऐड किया था और सोया सॉस में भी नमक होता है। और ये है वेनेगर, आप चाहो तो लाइम जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अब हम कवर करके फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। ये है पोटैटो स्लाइसेस, मैंने इस तरह से इन्हें पतली पतली स्लाइसेस में कट कर लिया है। पतली होने की वजह से ये अच्छे से बेंड होंगी इस तरह से। आलू की जो लंबी वाली साइड है उस तरफ से मैंने इन्हें कट किया है। तो अब मैं लूँगी एक आलू का पीस और ये है हमारा चिकन जो अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। इसमें मैं एक मैरिनेटेड चिकन का पीस रखूँगी और इसे इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और इसमें लगा दूँगी एक टूथपिक। इस तरह से फिक्स करेंगे हम। देखिए लग रहा है ना ये बिल्कुल बटरफ्लाई जैसा। अब मैं सारे पीसेस को इसी तरह से लगा लूँगी। इस तरह से आप अच्छे से फिक्स कर लें। आप चाहो तो बड़ी वाली बारबेक्यू स्टिक भी लेकर उसमें दो तीन पीस भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे पीसेस को रेडी कर लिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर एक टिप शेयर करूँगी मैं आपके साथ कि तेल का टेम्परेचर किस तरह से चेक करते हैं फ्राइंग के लिए वो रेडी है या नहीं। तो एक वुडन स्क्वीवर को आप इस तरह से तेल में डिप करें, अगर उसके अराउंड में बबल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे इसका मतलब तेल एकदम रेडी है तलने के लिए। अब हम चिकन पीसेस को ऐड कर लेंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि आप कढ़ाई को ओवर क्राउड ना करें। इसे टर्न करके भी हम फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। ये जल्दी से फ्राई हो जाएगा क्योंकि हमने बोनलेस ब्रेस्ट पीस का इस्तेमाल किया है। इन्हें मैं निकाल लूँगी किचन टावल पर। हमारा बटरफ्लाई चिकन बनकर एकदम तैयार है। आप इसे सर्व कर सकते हैं अपनी मनपसंद डिप या चटनी के साथ। मैंने यहाँ पर सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ। इसका रेसिपी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।